नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी की न्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग तत्वों का वर्गीकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तत्वों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता करनी पड़ी। तो चलिए देखते हैं। प्रारंभ में तत्वों की संख्या बहुत कम थी, जिससे इनका अध्ययन करना आसान था, इनका अध्ययन करना अत्यंत सरल काम था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी संख्या बढ़ती गई और इनका एक साथ अध्ययन करना आसान काम नहीं था। इसीलिए तत्वों के वर्गीकरण करना पड़ा। क्या करना पड़ा? तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। तो आप लोगों ने जाना तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्रारंभ में ज्ञात तत्वों की संख्या बहुत कम थी और इनका एक साथ अध्ययन करना अत्यंत सरल काम था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत सारे तत्वों की खोज होती गई और उनका एक साथ अध्ययन करना संभव नहीं था। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा। आइए देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण में प्रारंभिक प्रयास। तो सबसे पहले आते हैं वर्जीलियस महोदय। कौन आते हैं? वर्जीलियस। वर्जीलियस ने क्या किया था? तत्वों को दो भागों में बांटा, एक को धातु कहा, दूसरे को अधातु कहा। वर्जीलियस ने तत्वों को दो भागों में विभाजित किया। पहला क्या था? धातु, और दूसरा क्या था? अधातु। तो इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने जब तत्वों को दो भागों में बांटा तो उस समय तत्वों की संख्या बहुत कम थी और ना कहीं ये सही बैठ गए थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, क्या हुआ? ऐसे तत्व आ गए जिनके गुण धातुओं और अधातुओं दोनों से मिलते थे। तो इन्हें क्या कहा गया? इन्हें उपधातु कहा गया। क्या कहा गया? उपधातु। ऐसे धातु जिनके गुण मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलते थे, उन्हें मेटलॉइड कहा गया। जब मेटलॉइड की खोज हो गई तो इनकी विभाजन था, ये क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। इसके बाद कौन आए? इसके बाद आते हैं प्राउट। हम आगे देखेंगे प्राउट की परिकल्पना। तो प्राउट ने क्या परिकल्पना की? तो प्राउट ने सबसे पहले प्राउट ने इसको कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, तथा तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के गुणज होते हैं। तो प्राउट ने क्या कहा? प्राउट ने कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के गुणज होते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे तत्व की खोज हुई जो सरल पूर्णांक नहीं थे। क्या नहीं थे? सरल पूर्णांक नहीं थे। तो इनकी परिकल्पना भी फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हो गई? क्योंकि इन्होंने कहा था कि सभी तत्व हाइड्रोजन के गुणज होते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक, तो इसके गुणज कौन होंगे? जो पूर्णांक होंगे, जो संख्या में होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन बाद में ऐसे कई तत्वों की खोज हुई जो सरल पूर्णांक नहीं थे। जैसे क्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु भार होता है 35.5, तो इसका एक सरल गुणज नहीं है, इसलिए इनकी परिकल्पना भी फ्लॉप हो गई। तो फिर आगे कौन आए? आगे आ गए डोबेराइनर। कौन आ गए भाई? डोबेराइनर महोदय। डोबेराइनर ने क्या कहा था? डोबेराइनर ने कहा कि जब हम तीन ऐसे तत्वों को जो क्या हों, गुणधर्म में समान हों, एक साथ रखते हैं, तो पहले और लास्ट वाले का योग बीच वाले के बराबर होता है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा यदि हम तीन तत्वों को उनके गुणधर्मों के बढ़ते हुए क्रम में रखें तो बीच वाला जो तत्व होता है बाकी दोनों वाले तत्व के, हाँ, बीच वाले का परमाणु भार इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों के योग का आधा होता है। क्या होता है? इन दोनों के योग का औसत होता है, इसी को आधा कहते हैं। जैसे हम कहें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है? ये समान गुणधर्म वाले तीन तत्व हैं, इनको एक साथ रख दिया गया तो लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। तो इन दोनों के योग का आधा होगा कौन? सोडियम। तो 39 7 क्या होगा भाई? 46 हो जाएगा। 46/2 = 23, अर्थात पहले और लास्ट वाले के परमाणु भार का योग, जो योग का आधा बीच वाले के बराबर होता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा डोबेराइनर ने कहा था अपने तिर्यक नियम में। लेकिन समय बीतता गया और क्या हुआ? कुछ ऐसे
तत्वों की खोज हुई जो इनके ऊपर एक्सेप्शन थे, अपवाद थे, और इनका नियम भी क्या हो गया, फ्लॉप होता गया। तो फिर कौन आए, फिर आ गए हमारे न्यूलैंड महोदय। कौन आ गए, न्यूलैंड ने, न्यूलैंड आ गए। इन्होंने क्या दिया, अष्टक नियम दिया। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। न्यूलैंड ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाए, तो जिस प्रकार संगीत में, जिस प्रकार संगीत में ये शब्द आते हैं, सारे गामा पादनी, सारे सारे गामा पादानी, उसी प्रकार से तत्वों को यदि रखा जाए तो पहला तत्व आठवें तत्व के पहले तत्व का लक्षण आठवें वाले तत्व के लक्षण के बराबर होता है। ऐसा किसने कहा था, न्यूलैंड ने कहा था कि पहले वाले का जो लक्षण होगा आठवीं वाले के लक्षण के बराबर होगा। देखो सारे गामा पादानी सा, फिर इसके बाद सा आ जा रहा है, अर्थात पहले वाले का जो लक्षण होगा आठवें वाले के लक्षण के बराबर होगा, दूसरे वाले का लक्षण नौवें वाले लक्षण के बराबर होगा, तीसरे वाले का लक्षण दसवें वाले के बराबर होगा। कहने का मतलब प्रत्येक तत्व का लक्षण उसके आठवें तत्व के लक्षण के बराबर होगा। ऐसा किसने कहा था, ऐसा न्यूलैंड ने अपने अष्टक के अपने नियम में कहा, जिसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा, जिस प्रकार संगीत में आठवां अक्षर वही होता है, उसी प्रकार प्रत्येक तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तो आठवां तत्व के जो लक्षण होते हैं पहले वाले के लक्षण के बराबर होते हैं। ऐसा किसने कहा, न्यूलैंड ने कहा। तो साथियों वीडियो आपको कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।